हाँ तो वही काफी टाइम बाद में वन प्लस की तरफ से उनका एक काफी तगड़ा एक बजट प्राइस वाला स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम होगा वन प्लस नोड सीई 3 लाइट। भाई नाम काफी बड़ा है, लेकिन जो फीचर्स है ना, जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है। एक बजट प्राइस का स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि मे बी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। भाई 4 अप्रैल को ये लॉन्च होगा, लॉन्च इवेंट आएगा वन प्लस का 4 अप्रैल को। वहां पर बताया जाएगा कि ये कब सेल में आपको देखने मिलेगा। बाकी इस वीडियो में आपको इसके सारे फीचर्स बताऊंगा कि इसमें हमको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या प्राइस रेंज होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इसकी डिजाइन की, कि हमको डिजाइन इसका कैसे मिलेगा। भाई डिजाइन काफी बढ़िया है, काफी अलग डिजाइन मिलेगा। 2 कलर चॉइस आपको इसमें मिलेगी, जिसमें की एक ग्रीन कलर आपको मिलेगा, एक ब्लैक कलर आपको मिलेगा। मे बी यार ग्रीन कलर कुछ अजीब सा नहीं होगा कुछ ज्यादा, फिर भी ठीक है भाई, 2 कलर ही आपको मिलेंगे। जो आपको पसंद आ रहा हो वो आप ले सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई प्लास्टिक बिल्ड आपको इसमें पीछे की तरफ मिलेगा, एंड आपको यहाँ पर बॉक्सी टाइप देखने मिलेगा। अभी आपको पता है जो भी स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं सभी में आपको बॉक्सी टाइप डिजाइन मिल रही है, तो यहाँ पर भी आपको बॉक्सी टाइप डिजाइन मिलेगी। देखने में अच्छी है, प्रीमियम है, एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि टाइप सी पोर्ट सपोर्टेड है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और उसी के साथ में 3.5 mm जैक भी आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी जो भी स्मार्टफोन एक प्रीमियम कैटेगरी वाले जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनमें किसी में भी आपको 3.5 mm जैक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर वो आपको मिल रहा है, जो कि एक बढ़िया चीज आपको मिल जाएगी। ओवरऑल जो डिजाइन है वो काफी बढ़िया आपको मिल जाएगी, बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है, काफी अच्छी डिजाइन आपको देखने मिल जाएगी। कलर आपके ऊपर डिपेंड, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। देन अगर मैं बात करता हूं डिस्प्ले की, तो भाई यहां पर आपको मिलेगा 6.72 इंच का बड़ा FHD प्लस डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने मिलेगा। भाई डिस्प्ले का साइज अच्छा है, डिस्प्ले भी काफी अच्छा है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे है ना, उसके हिसाब से कुछ और डिस्प्ले यहां पर मिल जाता, मे बी AMOLED मिल जाता ना, तो भाई तहलका मचा देता ये वाला स्मार्टफोन, क्योंकि यहां पर FHD प्लस मिल रहा है। AMOLED अभी आपको पता है हर फोन में आपको देखने मिल रहा है, 10,000 वाले स्मार्टफोन में भी आपको AMOLED मिल रहा है। यहां पर अगर आपको AMOLED मिल जाता ना भाई, क्वालिटी एक नेक्स्ट लेवल की हो जाती, लेकिन यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा है, तो ठीक है, यहाँ पर जो क्वालिटी है, जो रेजोल्यूशन है वो काफी अच्छा आपको मिल जाएगा, एंड अप्रोक्स 400 समथिंग आपको यहाँ पर PPI रेटिंग मिलेगी, जिससे कि जो शार्पनेस है, जो क्लियरिटी है वो काफी बढ़िया आपको देखने मिल जाएगी। देन अगर मैं बात करता हूँ इनके कैमरे की, तो भाई यहाँ पर आपको 3 कैमरे पीछे की तरफ मिलेंगे, एंड फ्रंट में आपको एक सिंगल कैमरा मिलेगा। पीछे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, और जो 2 कैमरे होंगे वो 2-2 मेगापिक्सल के आपको मिलेंगे, और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिससे कि आप अच्छी खासी सेल्फी ले सकते हैं। तो भाई कैमरे भी काफी अच्छे आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। देन अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रोसेसर की, तो भाई यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर मिलेगा, जो कि एक octa-core प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 5G के सारे बैंड्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है 5G आने वाला है, तो भाई 5G तो चाहिए ही, सारे बैंड आपको 5G के मिल जाएंगे, जो कि इसमें 5G इनेबल करवाएंगे। बाकी यहाँ पर सारा कुछ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5G की कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। 2 वेरियंट में आपको ये मिलेगा, जिसमें कि एक 8/128 GB एंड 8/256 GB आपको देखने मिलेगा, जिसका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने मिलेगा, बाकी ठीक है। ऑक्सीजन OS आपको यहाँ पर मिलेगा, और एंड्रॉइड 13 पर बेस आपको मिलेगा, और एक अच्छी बात कि आप इसमें मेमोरी कार्ड्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल चाहिए मेमोरी, तो आप इसमें खुद से मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि एक में भी अच्छी बात यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। और भाई अगर मैं बात करता हूं इसके बैटरी बैकअप की, तो भाई यहां पर आपको मिलेगा 5000 mAh का एक मॉन्स्टर बैटरी बैकअप। ठीक है, 5000 mAh है, आराम से 1 से 1.5 दिन आप उसको आराम से निकाल पाओगे। बाकी टाइप सी पोर्ट सपोर्टेड है, एंड ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। भाई देखो 5000 mAh मिल रहा है ना, ठीक है, आप आराम से नॉर्मल यूज में 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी। मैं अगर बात करता हूँ इसकी प्राइस की, किसका जो आखिर प्राइस है ना वो कितना आएगा, देखो भाई प्राइस है ना 8/128 GB का, वो बताया जा रहा है 20,000 रुपए, और जो 256 GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको जो प्राइस देनी पड़ेगी वो है 22,000 रुपए, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो भाई जिस प्राइस पॉइंट पे है ना, उसके हिसाब से ठीक है। अगर आपको इसमें AMOLED डिस्प्ले मिल जाती ना, तो मे बी यार काफी तगड़ा स्मार्टफोन ये हो सकता था 20,000 में, मतलब कि सभी को पीछे छोड़ सकता था। लेकिन यार FHD मिल रही है, ठीक है, फिर भी यहां पर आपको टच सैंपलिंग रेट अच्छी खासी देखने मिल रही है, तो कोई भी इश्यू नहीं है। बाकी आपको स्मार्टफोन कैसा लगा, अगर आप बाय करना चाहते हो तो कौन से कलर में बाय करना चाहोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बाकी इसके साथ में कोई कंपैरिजन या इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।